हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस। इस पर मैं अमर जमाल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप सबका स्वागत करता हूं। सो हमने यहां पर जो टॉपिक स्टार्ट किया उसका नाम है कास्टिंग, और कास्टिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ चुके हैं। प्रीवियस जो आप लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में फाइंड आउट कर सकते। नाउ टुडे we are going to discuss a very important topic which is known as allowance. ठीक है, ओके बेटा, आपको याद होगा जब मैंने आपको पैटर्न की डेफिनेशन दी थी, ठीक है? तो पैटर्न को मैंने कहा था इट इज द रिप्लिका ऑफ कंपोनेंट, रिप्लिका ऑफ कंपोनेंट, ओके, विद सम मॉडिफिकेशन। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, इट इज जस्ट लाइक ओरिजिनल कंपोनेंट जो पैटर्न होता है। अब ये जो मॉडिफिकेशन है, व्हाट आर दी सम मॉडिफिकेशन, ये है क्या? This is nothing but this is allowances, ठीक है? अब allowances को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि allowances का मतलब होता है बेटा एक्स्ट्रा रिलीफ, रिलीफ जिसे हम कहते हैं। अब किस चीज के लिए रिलीफ चाहिए, क्यों हमें रिलीफ चाहिए किसी पैटर्न पे, ठीक है? इसको अब हम समझेंगे when we will talk about the types of allowances, ठीक है? जब तक टाइप्स ऑफ अलाउंसेस हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हमें ये रिलीफ, ये मॉडिफिकेशन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए बेटा सबसे पहले कि जब आप कोई कास्टिंग करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट से रूम टेम्परेचर तक सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी कि जब आप उसे उड़ेलते हैं, पोर करते हैं इनटू द मोल्ड कैविटी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, बट एज द टाइम पासेज it solidifies and in the end you will get a casting at room temperature which will be solid in form, okay? So liquid se solid tak pahunchne mein kya hota hai ki metal jo hoti hai wo sikudti hai, shrink hoti hai, theek hai? To agar aap bilkul actual dimension ka pattern banaoge to mold cavity bhi aapki actual dimension ki banegi, yani ki जब आप उसमें लिक्विड मेटल को डालोगे और वो सॉलिडिफाई होगी अप टू द रूम टेम्परेचर, टिल द रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा, श्रिंक होने की वजह से जो कास्टिंग बाहर आएगी उसका साइज चेंज हो चुका होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो कास्टिंग निकलती है उसकी सरफेस फिनिश अप टू द मार्क नहीं होती, ठीक है? यानी कि बहुत अच्छी सरफेस फिनिश आपको कभी भी नहीं मिलती, एक्सेप्ट दो तीन कास्टिंग प्रोसेस ऐसे हैं लाइक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, शेल मोल्डिंग, जहां पे आपको सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है, बट जनरली स्पेशली इन केस ऑफ सैंड कास्टिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अ गुड सरफेस फिनिश। तो क्या होता है कि कास्टिंग जब आप बना लेते हैं उसके बाद देयर इज अ नीड ऑफ सम मशीनिंग प्रोसेसेस लाइक टर्निंग, लाइक फेसिंग, लाइक ग्राइंडिंग, बफिंग, ठीक है, रीमिंग, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है जो कि सरफेस फिनिश के लिए किए जाते हैं, ठीक है? तो इसका यह मतलब हुआ कि जो कास्टिंग आप बना रहे हैं अगर वो एक्चुअल साइज की हुई तो इन मशीनिंग प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के बाद वो कास्टिंग अपना ओरिजिनल डायमेंशन को खो देगी, यानी कि वो कम हो जाएगी डायमेंशन, ऑब्वियस है, क्योंकि मशीनिंग प्रोसेस में मटीरियल को रिमूव करना होता है, यू नो इट, रिमूव का मतलब है यू आर डिक्रीजिंग द डायमेंशन डेफिनेटली, ओके, ठीक है? इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं बेटा। क्या होता है बेटा कि जब हम किसी पैटर्न को सैंड में से बाहर ड्रैग करते हैं तो क्या होता है बेटा कि देर इज ए चांस कि जो आपकी मोल्ड है वो हिल जाए, यानी कि जो आपका पैटर्न है वो दाएं बाएं सीधा आने के बजाय इधर उधर हो जाए, तो क्या होगा कि आपकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी मोल्ड कैविटी की, और जो आप कंपोनेंट के लिए उसमें लिक्विड मेटल डालोगे और जो कास्टिंग आपको मिलेगी उसकी डायमेंशन भी आपको डिफरेंट मिलेगी, तो वहां पे भी हमें जरूरत पड़ती है अलाउंसेस की, ठीक है? और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जिनको अगर कंसीडर करें तो हमें पैटर्न को अलाउंस हर हालत में देनी ही होती है। अगर हम अलाउंसेस को नहीं प्रोवाइड कराएंगे
तो जो कास्टिंग है हमारी फाइनल, उसकी डायमेंशन हमें बहुत डिफर मिलेगी अपने एक्चुअल डायमेंशन से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बेटा अलाउंसेस में इसके पार्ट्स की, ठीक है। इसके कौन कौन से ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ अलाउंसेस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अलाउंसेस को अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे बताऊं तो इट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइडेड, ठीक है। एक्स्ट्रा डायमेंशन जो आपने प्रोवाइड कराई है किसी पैटर्न को, वो कहलाती है अलाउंसेस। लेकिन याद रखना बेटा, दिमाग में बात बिठा लेना, इट इज नॉट ऑलवेज एक्स्ट्रा, हमेशा एक्स्ट्रा नहीं होती, कभी कभार हमें डिक्रीजिंग यानी कि निगेटिव अलाउंस भी प्रोवाइड करानी पड़ती है। बट अभी के लिए हम मान लेते हैं दिस इज एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइडेड, ओके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले टाइप की अलाउंसेस की, अलाउंस की, जिसका नाम है बेटा नंबर वन श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो श्रिंकेज अलाउंस क्या होती है, इसे जानने के लिए आपको छोटा सा ग्राफ समझना होगा। सो दिस इज अ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, This is point C and this is point D, correct? ठीक है। तो अब भैया जी हमें करना क्या है, we need to understand this graph. देखिए क्या होता है कि जब आप molten metal को mold cavity में डालते हैं तो वो अपने एक particular temperature पर रहती है, ठीक है, अपने एक particular temperature पर रहेगी, T पर, ठीक है, T पर। और याद रखना कि ये जो T temperature है ये बेटा बड़ा होगा किससे, मेटल के मेल्टिंग टेम्परेचर से, मेटल्स मेल्टिंग टेम्परेचर, मेटल के मेल्टिंग टेम्परेचर से बड़ा होगा ग्राफ, ये टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, एज द टाइम पासिस, जैसे ही टाइम पास होगा ये ग्राफ अपना पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आएगा। अब यहां पर जो आपका टेम्परेचर है वो मैंने मान लिया वो है टी एम, क्या है बेटा टी एम, एंड टी एम इज नथिंग बट मेल्टिंग टेम्परेचर। तो यानी कि जो पोरिंग, ये जो टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर इसे कहते हैं पोरिंग टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पे आप मेटल को मोल्ड कैविटी में डाल रहे हो, पोरिंग टेम्परेचर, दिस इज द पोरिंग टेम्परेचर, क्लियर। तो पोरिंग टेम्परेचर जो होगा ऑब्वियस है ज्यादा ही होगा थोड़ा सा किससे, मेल्टिंग टेम्परेचर से। अब कूल डाउन होगी मेटल और अपने मेल्टिंग टेम्परेचर तक आएगी। अब जैसे ही वो अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पे आई तो क्या होगा, अब टेम्परेचर घटना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर घटना बंद हो जाएगा, और जो आपका लिक्विड है, देखिए यहां पर आपका लिक्विड है मेटल, यहां पर आपका लिक्विड है, लेकिन अब ये लिक्विड जो है सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होना शुरू होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा पॉइंट ए की, तो पॉइंट इधर लिख देता हूं मैं, चलिए जो पॉइंट ए है उस पर जो आपकी मेटल है वो लिक्विड है, लिक्विड है, ठीक है। अब कूल डाउन हुई और पॉइंट बी पर आई, पॉइंट बी पर भी मेटल आपकी लिक्विड है, ठीक है। अब क्या होगा, एट मेल्टिंग टेम्परेचर इटसेल्फ द मेटल विल चेंज इट्स फेज, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर पे जो मेटल होगी वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगी, और पॉइंट सी पर जो आपकी, पॉइंट सी पर आपकी जो मेटल होगी वो सॉलिड हो चुकी होगी, सॉलिड, ठीक है। ये तो लिक्विड होगा एट पोरिंग टेम्परेचर, ये लिक्विड होगा एट मेल्टिंग टेम्परेचर, और ये सॉलिड होगा कहां, अभी हम पॉइंट सी पर हैं तो मेल्टिंग टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि मेल्टिंग टेम्परेचर है बेटा, उस पर आपका जो मेटल है वो अपनी फेस चेंज कर रहा है, ठीक है। तो बीसी जो है आपका, अगर आप ध्यान से देखें बेटा कि जो प्रोसेस ए बी है, ए बी ये सेंसिबल कूलिंग है, सेंसिबल कूलिंग, दिस इज सेंसिबल कूलिंग, करेक्ट। और जो प्रोसेस बीसी है वो आपका है बेटा
वो है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ओके, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब सी पर जब मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो भैया जी सीधी सी बात है, अब वो और टेम्परेचर लूज करेगा और हीट अपने अंदर से लूज करेगा और उसका टेम्परेचर जो है पॉइंट डी तक आएगा। इस पॉइंट डी को मैं कह देता हूं बेटा, इस पॉइंट डी पे जो टेम्परेचर है दैट इज टी ओ, टी ओ, जो टी ओ टेम्परेचर है बेटा उसे हम कह देते हैं एम्बियंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, एम्बियंट और रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, एम्बियंट और रूम टेम्परेचर, क्लियर है। तो क्या हुआ, अब जो मेटल है आपका वो कूल हुआ, ठीक है, कूल हुआ कहां से, अपने पोरिंग टेम्परेचर से मेल्टिंग तक, मेल्टिंग टेम्परेचर पर फेस चेंज हुई, लिक्विड से सॉलिड बना, और फिर सॉलिड जो है मेल्टिंग टेम्परेचर का वो आगे कूल होगा और बेटा डी पॉइंट तक आएगा जो कि एम्बियंट टेम्परेचर होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रोसेस सी डी है, जो प्रोसेस आपका सी डी है वो सीधा सीधा क्या है बेटा, सेंसिबल कूलिंग, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है ना, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग या सेंसिबल हीटिंग वो होता है बेटा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका लेटेंट, यहां पे लेटेंट हीट रिलीज होगी बीसी के दौरान, इसलिए फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लिक्विड से सॉलिड में आएगी। तो यहां पे जो स्टेट है वो तो लिक्विड है, यहां भी लिक्विड है, यहां भी सॉलिड है और यहां भी सॉलिड है, करेक्ट, सॉलिड है। और बेटा बी सी के बीच, बी सी के बीच जो मेटल होगी, जो मेटल होगी वो कैसी होगी, मुशी, यानी कि थोड़ा लिक्विड और थोड़ा सॉलिड, जो बी सी के बीच कंडीशन होगी मेटल की वो होगी मुशी। तो यहां पर दिस इज द मुशी जोन, दिस इज द मुशी जोन, दिस इज द मुशी जोन, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। अब मैंने आपको ये ग्राफ क्यों समझाया है, इसको समझने के, इसके लिए, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये कि देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब लिक्विड एट पोरिंग टेम्परेचर से कोई कास्टिंग सॉलिड एट रूम टेम्परेचर तक ठंडी होती है तो उसमें दो तरह की श्रिंकेज होती है। तो यहां दो तरह की श्रिंकेज, एक तो जो पहली श्रिंकेज है, आइए देखते हैं उसे क्या है। वो पहली जो श्रिंकेज है बेटा वो प्रोसेस ए बी और प्रोसेस बी सी के दौरान होगी, पहले टाइप की, और बेटा ये श्रिंकेज कहलाएगी आपकी लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज, ठीक है। और दूसरे टाइप की जो आपकी श्रिंकेज होगी वो होगी सी से डी तक, सी से डी, इस श्रिंकेज को हम कहेंगे बेटा सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज, क्लियर। तो दो तरह की श्रिंकेज जो, लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज। अब जो लिक्विड श्रिंकेज है बेटा वो याद रखना वो कंपनसेट की जाती है, कंपनसेटेड बाई, कंपनसेटेड बाई राइजर, यानी कि जो राइजर होता है वो कंपनसेट करता है ओनली लिक्विड श्रिंकेज, आपको ये याद रखना है। और ये जो सॉलिड श्रिंकेज है दिस इज कंपनसेटेड बाई, कंपनसेटेड बाई अलाउंसेस, अलाउंस, और कौन सी अलाउंस बेटा, श्रिंकेज, श्रिंकेज, क्लियर। तो आपको पता चल गया दो टाइप की श्रिंकेज हो रही है, पहली लिक्विड श्रिंकेज, दूसरी सॉलिड श्रिंकेज। अब लिक्विड श्रिंकेज को जो कंपनसेट करेगा वो कौन करेगा, वो सीधा सीधा राइजर करेगा, लेकिन जो सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करेगा बेटा वो करेगी श्रिंकेज अलायंसेज, यानी कि सी से डी प्रोसेस के दौरान हमें श्रिंकेज अलायंस देनी पड़ेगी टू द पैटर्न। और हमेशा याद रखना कि ये जो श्रिंकेज, ये जो अलायंसेज है, इट इज ऑलवेज गिवन टू, ऑलवेज गिवन टू पैटर्न,
ये हमेशा पैटर्न को दी जाती हैं, पैटर्न, क्लियर है? तो दिस इज द श्रिंकेज अलाउंस, ठीक। तो आप श्रिंकेज अलाउंस का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बात करते हैं थोड़ा और श्रिंकेज अलाउंस के बारे में। अब जो श्रिंकेज अलाउंस होती है बेटा, याद रखना, व्हेन द सॉलिड कूल्स, व्हेन सॉलिड कास्टिंग कूल्स फ्रॉम मेल्टिंग टेम्परेचर, फ्रॉम मेल्टिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर, ठीक है, सॉलिड श्रिंकेज अगर, सॉलिड श्रिंकेज अकर्स, सॉलिड श्रिंकेज होती है, एंड टू कंपनसेट दिस सॉलिड श्रिंकेज वी जस्ट अप्लाई श्रिंकेज अलाउंसेस ऑन द पैटर्न, ऑन द पैटर्न, क्लियर है? तो क्या होता है इसके लिए बेटा, आपको कभी कभी पैटर्न बड़ा भी बनाना पड़ता है, कभी कभी छोटा भी बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई मेटल, अगर कोई मटेरियल ठंडा होने पे एक्सपेंड हो रहा है, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन या बिस्मिथ, जिसमें भी ग्रेफाइट पाया जाएगा, वो कूल होने पर बेटा एक्सपेंड होगा, तो वहां पे निगेटिव श्रिंकेज अलाउंस देनी पड़ेगी। और जो मेटल बेटा ठंडे होने पे श्रिंक होते हैं एक्चुअली, जैसे स्टील, ब्रास, कॉपर, तो बेटा वहां पर हमेशा पॉजिटिव श्रिंकेज देनी पड़ेगी। और पॉजिटिव श्रिंकेज जो होती है, पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस जो होती है, इसका मतलब होता है बिगर पैटर्न साइज, यानी कि पैटर्न साइज जो है वो बड़ा बनाना पड़ेगा। और निगेटिव श्रिंकेज का मतलब होता है श्रिंकेज अलाउंस का, कि आपका स्मॉलर श्रिंकेज, स्मॉलर पैटर्न साइज। तो अगर कोई कहता है कि पॉजिटिव श्रिंकेज में, पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस की वजह से क्या होता है पैटर्न पे, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, बिगर, बिगर पैटर्न, बिगर पैटर्न साइज, करेक्ट, बिगर पैटर्न साइज। और अगर कहीं पर निगेटिव श्रिंकेज है, निगेटिव श्रिंकेज अलाउंस है दे रहे हैं आप, तो इसका मतलब होगा बेटा स्मॉलर, स्मॉलर पैटर्न, पैटर्न साइज, स्मॉलर पैटर्न साइज, ये होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये भी आपके समझा दी मैंने आपको बात, ठीक है। अब श्रिंकेज अलायंस जो है, श्रिंकेज अलायंस को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि श्रिंकेज अलायंस जो है बेटा, वो दो चीज, वो डिपेंड करती है किसी भी मेटल के लीनियर कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे, लीनियर कोफिशियंट, लीनियर कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करती है। और किस तरीके से डिपेंड करती है बेटा, इस तरीके से करती है कि श्रिंकेज अलाउंस इज इक्वल टू अल्फा इनटू लेंथ इनटू टी एफ माइनस टी ओ, ठीक है, टी एफ माइनस टी ओ, ओके। तो ये जो अल्फा होता है, दिस इज लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एल क्या होती है बेटा, लीनियर डायमेंशन किसकी, कास्टिंग की, एल क्या है बेटा आपकी, लीनियर डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन ऑफ कास्टिंग, ऑफ कास्टिंग, ठीक है, ओके। टी एफ क्या है बेटा आपका, टी एफ दैट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। और बेटा टी ओ क्या है, टी ओ, सॉरी दिस इज नॉट फाइनल टेम्परेचर, दिस इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर, एंड टी ओ क्या है बेटा आपका, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। सो दिस इज द श्रिंकेज अलायंस का एक आपको मैंने वो दे दिया, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बताता हूं अकॉर्डिंग टू श्रिंकेज अलायंस किसको कहा, किस मटेरियल को किस कैटेगरी में रखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है एग्जाम। तो ये है बेटा एक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू श्रिंकेज अलायंस। सबसे ज्यादा श्रिंकेज अलायंस हमेशा स्टील को देते हैं, याद रखना बेटा,
स्टील में सबसे ज्यादा श्रिंकेज होती है फॉर द सॉलिड श्रिंकेज, उसके बाद लेड है, कॉपर है, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एक ही जगह पर है, ये दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, तो एक मैंने दे दिया, यहां से आपको किसी भी क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां लगभग सबसे ज्यादा किसे देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किसे देते हैं, बहुत कम की अगर मैं बात करूं, जो बहुत कम होती है बेटा, जो बहुत ही कम होती है बेटा, वो होती है व्हाइट मेटल में, व्हाइट मेटल। ठीक है, व्हाइट मेटल में जो होती है श्रिंकेज, जो होती है श्रिंकेज वो बहुत ही लेस है, इज वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम होती है, तो व्हाइट मेटल को आप लोएस्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली एक आइडिया है बेटा, बेसिकली एक आइडिया, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये एक बेसिकली आइडिया है, यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा किसी भी क्वेश्चन का, सबसे ज्यादा पूछे, सबसे कम पूछे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसी टॉपिक में, और देखते हैं अगली अलायंस हमारी कौन सी है। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए बेटा, कि जो कास्ट आयरन होते हैं, नोट कह देता हूं मैं, नोट नोट, जो कास्ट आयरन है, बल्कि मैं कहूंगा ग्रे कास्ट आयरन, GCI एंड बिस्मिथ, एंड बिस्मिथ, ये बहुत ज्यादा बेटा एक्सपेंड होते हैं, ये जब कूल होते हैं, कूल, जब ये कूल होते हैं बेटा तो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, क्यों करते हैं बेटा, बिकॉज ऑफ ग्रेफाइट, इनमें ग्रेफाइट होता है बहुत हाई क्वांटिटी में। ठीक है, बहुत ही हाई क्वांटिटी में ग्रेफाइट होता है, इस वजह से बेटा जब ये ठंडे होते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट में ठंडे होते हैं, तो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो बेटा इनके लिए अगर आपको परसेंटेज वॉल्यूम चेंज निकालना हो, तो परसेंटेज वॉल्यूम चेंज, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैसे बेटा, 2 × परसेंटेज ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट की कितनी परसेंटेज है, या सिंपली, ठीक है, कितना परसेंट उसमें ग्रेफाइट अवेलेबल है, -2.8, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इस बिस्मिथ और ग्रे कास्ट आयरन के लिए, कि कितना उनमें वॉल्यूम परसेंटेज होगा। अब चूंकि ये एक्सपेंड हो रहे हैं बेटा, इस वजह से क्या होगा, इसमें निगेटिव श्रिंकेज अलायंस प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, निगेटिव श्रिंकेज अलायंस, ग्रे कास्ट आयरन में और बिस्मिथ में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, याद रखना बेटा कि जो श्रिंकेज अलायंस है वो होती तो वॉल्यूमेट्रिक है, यानी कि पूरे वॉल्यूम में होगी श्रिंकेज, जब भी होगी पूरे वॉल्यूम में श्रिंकेज होगी। ठीक है, इसलिए इसे वॉल्यूमेट्रिक कहते हैं, बट जब इसे मेजर करते हैं, मेजर, तो बेटा ये लीनियर डायमेंशन में मेजर होती है, लीनियर डायमेंशन में मेजर होती है, लीनियर डायमेंशन मतलब mm, इतने mm पर मीटर। ठीक है, यानी कि एक मीटर की अगर किसी कंपोनेंट की लेंथ है, तो उसे कितने mm श्रिंकेज अलायंस दे, तो याद रखना श्रिंकेज अलायंस का जो यूनिट है वो mm ही है, उसे mm क्यूब मत कर देना, बट ये होती वॉल्यूमेट्रिक है, श्रिंकेज पूरे वॉल्यूम में होती है, लेकिन जब श्रिंकेज अलायंस हम मेजर करते हैं तो वो हर डायमेंशन के लिए अलग कैलकुलेट की जाती है, इसलिए उसकी यूनिट mm हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम इसी टॉपिक पर। सेकेंड टाइप ऑफ अलायंस इज मशीनिंग अलायंस, मशीनिंग अलायंस, मशीनिंग अलायंस। ठीक है, अब मशीनिंग अलायंस क्या होती है बेटा, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, आफ्टर कास्टिंग टू इंप्रूव द सरफेस फिनिश, ठीक है, इसमें क्या इंप्रूव करना है हमें, सरफेस फिनिश। ठीक है, सरफेस फिनिश को हमें इंप्रूव करना है। अब सरफेस फिनिश को जब इंप्रूव करना होता है, वी हैव टू रिमूव सम मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, ऐसा करने के लिए हमें करना होता है बेटा, वी नीड टू रिमूव मटेरियल को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो क्या होगा भैया जी, कि जब हम मशीनिंग अलायंस प्रोवाइड कराएंगे, तभी तो एक्चुअल साइज आ पाएगा किसी भी कास्टिंग का। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए बेटा, टू
फॉर सरफेस फिनिश, ताकि बाद में मटेरियल रिमूव हो और मटेरियल की जो डायमेंशन है वो बनी रहे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन जो हम किसके लिए छोड़ते हैं बेटा, मशीनिंग अलाउंस के लिए हम हमेशा थोड़ा बहुत मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखना है बेटा, जो आपको यहां पर याद रखनी है। जो नोट है पहला वो ये है बेटा कि इंटरनल सरफेसेस के लिए जितने भी इंटरनल सरफेस होंगे, ठीक है, उसके लिए बेटा निगेटिव मशीनिंग अलाउंस दी जाएगी, निगेटिव मशीनिंग अलाउंस दी जाएगी, ठीक है, इंटरनल सरफेस के लिए, ठीक है। इंटरनल मान लीजिए बेटा ये आपका वाशर है, दिस इज द वाशर, और ये आपका मेटल है पूरा, ठीक है। वाशर आप जानते हैं क्या होता है, सभी बच्चे जानते होंगे लगभग, दिस इज द वाशर। अब क्या होगा बेटा कि जब ये श्रिंक होगा, जब ये श्रिंक होगा तो जो बाहर वाला डाया है ये वाला डायमीटर, ये तो बेटा कम होगा, लेकिन जो अंदर वाला डायमीटर है वो आपका एक्सपैंड होगा, ऐसे एक्सपैंड होगा। तो दिस इज द इनर सरफेस या इंटरनल सरफेस, तो दिस इज द इनर सरफेस। तो याद रखना बाहर छोटा हो जाएगा तो आपको उसे बड़ा करना पड़ेगा पैटर्न को। तो यहां पर तो देंगे बेटा पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है। ये वाशर का केस है, ध्यान से देख लीजिए इसे, ये वाशर का केस। तो यहां तो देंगे पॉजिटिव, सॉरी मशीनिंग अलाउंस, आई एम सॉरी, मशीनिंग अलाउंस अलाउंस, ठीक है। और यहीं पर बेटा जो इंटरनल डाया है आपका, इंटरनल डाया है, यहां पर आपको देनी पड़ेगी निगेटिव मशीनिंग अलाउंस, बल्कि मैं तो कहूंगा निगेटिव मशीनिंग एंड श्रिंकेज अलाउंस, दोनों दोनों यहां पर हम बेटा पॉजिटिव देंगे, एंड श्रिंकेज अलाउंस दोनों, क्योंकि वो श्रिंक होके बड़ा होगा अंदर वाला जो होल है, ठीक है। और बेटा जो बाहर वाला डायमीटर है वो कम होगा, तो बाहर वाले को बड़ा बनाना है अपनी एक्चुअल डायमेंशन से, और जो अंदर वाला है उसे अपनी एक्चुअल डायमेंशन से छोटा बनाना है। इसलिए यहां पर निगेटिव मशीनिंग अलाउंस और श्रिंकेज अलाउंस देंगे, यहां पर पॉजिटिव मशीनिंग अलाउंस या श्रिंकेज अलाउंस देंगे। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है बेटा, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब आप कास्टिंग करते हैं तो ज्यादातर इंप्यूरिटीज स्कोप में, यानी कि जो टॉप जो स्कोप में सरफेस होता है वहां पे आके कलेक्ट होती है, ठीक है। इंप्यूरिटीज जो होती है बेटा, जनरली इंप्यूरिटीज कलेक्ट्स इन कोप, कोप में सबसे ज्यादा इंप्यूरिटी आती है। तो बेटा कोप में मशीनिंग अलायंस जो है वो हायर देनी होगी, हायर मशीनिंग अलायंस, यानी कि जो सरफेस कास्टिंग का कोप में होगा उसे मशीनिंग अलायंस ज्यादा देनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से बेटा एक कास्टिंग होती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, क्या होती है कैसे होती है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी ये समझ लीजिए बेटा कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हॉलो सेक्शन बनते हैं, हॉलो जैसे कि लंबे लंबे पाइप होते हैं जो वाटर सप्लाई के। तो क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का जो इनर सरफेस होता है उस पर हायर मशीनिंग अलाउंस चाहिए, इनर सरफेस पर क्या चाहिए, हायर मशीनिंग अलाउंस, हायर मशीनिंग अलाउंस, ठीक है। क्योंकि सारी इंप्यूरिटीज जो है वो इनर सरफेस पे इकट्ठी होती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, तो वहां पर मशीनिंग अलाउंस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर मटीरियल हमें ज्यादा रिमूव करना होगा, ठीक है। अब याद रखना बेटा, अगर होल कंपोनेंट, चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, अगर पूरी कास्टिंग जो है आपकी, होल कास्टिंग कास्टिंग इज इन ड्रैग, अगर सारी कास्टिंग आपकी ड्रैग में, ज्यादातर कास्टिंग ड्रैग में है, तो बेटा लेस मशीनिंग अलाउंस की जरूरत पड़ती है, लेस मशीनिंग अलाउंस की जरूरत पड़ती है, आपको यह याद रखना होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए। मशीनिंग अलाउंस सिर्फ इंप्रूव करने के लिए, जो सरफेस फिनिश इंप्रूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत होती है, तो बेटा वो हमें रिमूव करना होता है टू इंप्रूव द सरफेस फिनिश, तो इसलिए हम उसे मशीनिंग अलाउंस देते हैं। ये था आपका मशीनिंग अलाउंस। ओके, नेक्स्ट इज ड्राफ्ट अलाउंस, ठीक है। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होती है इसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पैटर्न एंड दिस इज द मोल्ड कैविटी, ये आपकी क्या है बेटा, दिस इज मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी, ठीक है। तो क्या है, अब आप देख रहे हैं बेटा पैटर्न का ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ठीक है, ये सरफेस है पैरेलल टू द विड्रॉन डायरेक्शन, ये आपका है पैरेलल
विदड्रॉन डायरेक्शन, ठीक है। अब बेटा पैटर्न के वो सरफेसेस जो कि विदड्रॉन, विदड्रॉन का मतलब क्या है बेटा, किस डायरेक्शन में विदड्रॉ कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप विदड्रॉन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप विदड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस विदड्रॉन डायरेक्शन के ठीक पैरेलल है, ठीक पैरेलल है। तो ऐसे सरफेस क्या होता है बेटा, मोल्ड कैविटी को डैमेज कर सकते हैं, मोल्ड कैविटी को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, तो जब हम पैटर्न को इस तरह के केस में मोल्ड कैविटी से बाहर निकाल रहे होते हैं, तो मोल्ड वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है, और जब डैमेज मोल्ड कैविटी में आप लिक्विड मेटल डालोगे तो कास्टिंग भी आपकी एक तरह से डिफेक्टिव ही आएगी। तो इसे अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, टू मेक इजी विदड्रॉन, टू मेक इजी विदड्रॉन ऑफ पैटर्न फ्रॉम मोल्ड कैविटी टू मेक इजी विदड्रॉन ऑफ पैटर्न फ्रॉम मोल्ड कैविटी, वी प्रोवाइड ड्राफ्ट अलाउंस। अब ड्राफ्ट अलाउंस का क्या मतलब है कि ये जो पैटर्न है आपका, मान लीजिए ये पैटर्न है, दिस इज द पैटर्न, तो इस पैटर्न को बिल्कुल इसका ये जो स्लाइडिंग सर्फेसिस है इसे विड्रॉन के पैरेलल ना बना के एक एंगल पे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया यहां पर, ये ठीक है। देखा भी होगा आपने आइसक्रीम में या कुल्फी में क्या होता है बेटा, एक ड्राफ्ट होता है, बिल्कुल स्लाइड नहीं होता, एक हल्का सा ड्राफ्ट होता है, जरूर देखना बेटा किसी भी आइसक्रीम को लेना या कुल्फी को लेना, उसमें उसे जब उसके आप मोल्ड कैविटी से बाहर निकालते हो तो देखना कि वो टच हल्का सा निकालते ही पूरी निकल जाती है। तो क्या होगा बेटा कि जब आपका मोल्ड कैविटी में से ये बाहर आएगा, ठीक है, जब पैटर्न आपका मोल्ड कैविटी में से बाहर आएगा, दिस इज द सैंड मोल्ड, या आपकी सैंड मोल्ड है, दिस इज द सैंड मोल्ड, ठीक है। जब ये इससे बाहर आएगा तो जैसे ही इसका बॉटम सरफेस इस मोल्ड कैविटी के बॉटम सरफेस से अलग होगा, ये पूरा इसके मोल्ड कैविटी के कॉन्टेक्ट से पैटर्न हट चुका होगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट अलाउंस का आपने फायदा देखा क्या है, फॉर द इजी विदड्रॉन ऑफ पैटर्न, फॉर द इजी विदड्रॉन ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो बेटा याद रखना, ये जो होता है, ये जो ड्राफ्ट अलाउंस है, ये जब भी हम मशीनिंग मोल्डिंग करते हैं, मशीनिंग मोल्डिंग यानी कि जब आप रैमिंग मशीन से करते हैं, जैसे स्क्वीज मशीन, जॉल्टिंग मशीन से जब रैमिंग करते हैं, तब बेटा उसे मशीनिंग मोल्डिंग कहते हैं। उस केस में ये आपकी ड्राफ्ट अलाउंस देना एसेंशियल होता है, हर हालत में आपको ये देनी ही होती है, ठीक है। अब बेटा ये होती कितनी है बेटा, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, ये टेपर एंगल है, ये कितना है बेटा, ये हाफ डिग्री से 2 डिग्री तक दिया जा सकता है, तो इसे कहते हैं टेपर एंगल। तो टेपर एंगल की अगर रेंज पूछता है, हाफ डिग्री से कितना हो सकता है बेटा, 2 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। और याद रखना कि ड्राफ्ट अलायंस जो होती है, ड्राफ्ट अलायंस अगर वो आप इनर सरफेस पे दे रहे हैं, इनर सरफेस, तो वो लगभग ट्वाइस होगी उस ड्राफ्ट अलायंस के जो कि आप एक्सटर्नल सरफेस पर देंगे, एक्सटर्नल सरफेस पर देंगे, ठीक है। आपको क्या याद रखना है बेटा कि ड्राफ्ट अलायंस जो होती है बेटा, इनर सरफेस पे ज्यादा दी जाती है और एक्सटर्नल सरफेस पे कम दी जाती है, और कितनी ज्यादा दी जाती है, लगभग ट्वाइस, डबल ज्यादा दी जाती है, क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका ड्राफ्ट अलायंस। डिस्टॉर्शन अलायंस में क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपका पैटर्न ऐसा है, इस पैटर्न की जो कास्टिंग है बेटा वो इस पोर्शन में श्रिंकेज होने की वजह से, इस पोर्शन में श्रिंकेज होने की वजह से कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से बेटा मान लीजिए कोई फ्लैट प्लेट है बहुत लार्ज, जब इसकी कास्टिंग होगी इस पैटर्न की मदद से, तो वो कास्टिंग जो है बेटा थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज, किसी हिस्से में ज्यादा श्रिंकेज है, किसी हिस्से में कम श्रिंकेज है, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा,
कि आप जो है अपने पैटर्न को ही डिस्टॉर्ट बनाते हैं, यानी कि इस केस में जो हमारा पैटर्न बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, हमारा जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होगा बेटा इस तरीके से, ताकि जब इसमें श्रिंकेज हो तो ये बिल्कुल आपका सीध में आ जाए। इसी तरीके से बेटा यहां पे जो हमारा पैटर्न बनेगा वो थोड़ा सा कर्वी बनेगा इस टाइप से, ऐसे जिधर आपका श्रिंकेज हो रही है उसके ठीक अपोजिट, यानी कि आपका डिस्टॉर्ट ऐसे हो रहा है तो आप अपना पैटर्न ऐसे बनाइए ताकि श्रिंकेज होने के बाद ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप अपने पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं अपनी कास्टिंग को सही बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डिस्टॉर्शन अलाउंस, क्या कहलाती है बेटा, डिस्टॉर्शन अलाउंस। ओके, लास्ट जो डिस्टॉर्शन है दैट इज शेकिंग और रैपिंग अलाउंस, ठीक है। होता क्या है बेटा, जब आप पैटर्न के चादर सैंड को पैक कर देते हैं तो आपको पैटर्न रिमूव करना होता है। जब आप पैटर्न रिमूव करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि ये बाहर नहीं आता एकदम, तो यू हैव टू शेक इट, इसे थोड़ा बहुत आपको हिलाना पड़ता है ताकि ये इजीली अब थोड़ी सी जगह बनाने अपने लिए और बेटा बाहर निकाल लिया जाए। तो आप देख रहे हैं बेटा जैसे ही आप पैटर्न को इधर उधर हिलाएंगे तो जो डायमेंशन पैटर्न की थी उससे बड़ी हो जाएंगी डायमेंशन, करेक्ट। लेकिन उससे क्या होता है बेटा, पैटर्न इजिली बाहर आ जाता है, आपको थोड़ा बहुत हिलाना पड़ता है बेटा पैटर्न को हर हालत में, तो उसे कहते हैं शेकिंग या रैपिंग, ठीक है। अब इसको बेटा आपको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं बेटा, कि ये निगेटिव अलायंस होती है, याद रखना बेटा हमेशा निगेटिव अलायंस होती है, इट इज गिवन टू पैटर्न, यानी कि पैटर्न की डायमेंशन को थोड़ा छोटा बनाइए ताकि जब उसे हिला के निकाले तो वो पैटर्न जो है बेटा थोड़ी बड़ी जो डायमेंशन करे वो कंपनसेट हो जाए, करेक्ट। तो उसे कहते हैं बेटा शेकिंग या रैपिंग अलायंस, ठीक है। ये था बेटा आपका अलायंस के बारे में। अब कुछ दो चार पॉइंट है जो मैं आपको यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है, आइए देखते हैं उन्हें। पहला पॉइंट यह है बेटा कि टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर जितना हाई होगा, ठीक है, पोरिंग टेम्परेचर जितना हाई होगा या मेल्टिंग टेम्परेचर किसी मेटल के जितना हाई होगा, श्रिंकेज जो होगी बेटा, श्रिंकेज वो उतनी ही हाई होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे लिक्विड मेटल के जो एटम्स हैं उनके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, उनके मूवमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बढ़ेगा फिर वो धीरे धीरे उतना ही घटेगा। तो बेटा टेम्परेचर को बहुत ही सुटेबली चूज करते हैं पोरिंग के लिए भी, ठीक है, कि आपका जो श्रिंकेज हो वो कम से कम हो, ठीक है, श्रिंकेज कम से कम हो, करेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि जब आप मास्टर पैटर्न क्या होता है, विच इज यूज टू मेक पैटर्न, That pattern which is used to make pattern is known as master pattern. तो master pattern को जो होता है बेटा आप double क्या करेंगे बेटा, double allowance देंगे, double allowance, क्योंकि याद रखिए जब master pattern से pattern बनाएंगे specially तो क्या होगा बेटा, metal pattern भी shrink होगा बनते हुए, तो आप double allowance देते हैं बेटा master pattern को। तो मास्टर पैटर्न से पैटर्न मिला, एक अलायंस तो ये हो गई, और चूंकि ऑलरेडी आपको पैटर्न पे अलायंस देनी होती है तो बेटा वो अलायंस ऑलरेडी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मास्टर पैटर्न को डबल अलायंस हम देते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा ये याद रखना बेटा कि सबसे ज्यादा श्रिंकेज किसमें होती है, स्टील में, ये आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया सिंपली, ठीक है, ओके। अब बेटा याद रखना कि जो साइज टॉलरेंस होता है, साइज टॉलरेंस जो होता है बेटा, साइज टॉलरेंस वो बेटा श्रिंकेज अलायंस का हाफ होता है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया बेटा, श्रिंकेज अलाउंस का हाफ होता है, ठीक है, श्रिंकेज अलायंस का हाफ होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये बेटा आपको मैंने बताया है पूरा आज श्रिंकेज अलायंस, ठीक है, आई होप मैंने आपको इससे रिलेटेड सभी चीजें बता दी है, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है जिन्हें हम स्पेशली आपका जो क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू कास्टिंग उसमें हम उसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपको लेक्चर पसंद आया उसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए बेटा, आप कुछ सुझाव देना चाहते हो, कोई शिकायत करना चाहते हो, कुछ कमी रह गई हो वो आप बताइए हमें, और बेटा साथ साथ बेटा
इसको जरा आप शेयर भी करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, जहां आप चाहते हैं वहां ऐसे शेयर कीजिए। बस यही हमें आपसे चाहिए कि आप हमारा इतना काम तो कर ही सकते हैं, जितना ज्यादा ज्यादा आप शेयर करेंगे हम आप बेटा उतनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत पर से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।